दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इस समय ब्रेक पर हैं, लेकिन वो फैंस के साथ सोशल मीडिया पर हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन इस वक्त चहल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में शायद उनके फैंस नहीं जानते। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने की बात सुनी और देखी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ है यूजी चहल के साथ। दरअसल युजवेंद्र चहल का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, जिसके बाद हैकर ने यूजी और उनकी वाइफ धनाश्री की पर्सनल चैट लीक कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, चहल इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। इन सभी के बीच युजवेंद्र चहल का इंस्टाग्राम अकाउंट अब हैक हो गया है। इस घटना की जानकारी अकाउंट हैक करने वाले ने ट्वीट के जरिए दी है। इतना ही नहीं, उनकी प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट भी पब्लिक कर दिया गया है, जो कि इस वक्त काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि युजवेंद्र चहल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का कारनामा और किसी ने नहीं बल्कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किया है। हालांकि ये सब मजाक में किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट कर युजवेंद्र चहल के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की जानकारी दी। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें युजवेंद्र चहल की प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने ट्विटर पर युजवेंद्र चहल की चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उनकी पत्नी धनश्री वर्मा, संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी, जॉस बटलर, भारतीय क्रिकेट टीम और रोहित शर्मा के अकाउंट से किए गए आखिरी मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा का आखिरी मैसेज है कि आप वापस आ गए हमारी वीडियो में। वहीं रोहित शर्मा ने तो ये तक लिखा हुआ है कि अकाउंट डिलीट कर दे। युजवेंद्र चहल की चैट का ये स्क्रीनशॉट दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वहीं जॉस बटलर उनसे ऑरेंज कैप वापस लेने की बात कर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स का अकाउंट भी हैक हो चुका है। दरअसल आईपीएल 2022 के दौरान युजवेंद्र चहल ने भी राजस्थान रॉयल्स का ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया था। बता दें कि युजवेंद्र ने खुद को टीम का नया कप्तान बनाने का ट्वीट किया था। फैंस भी चहल को बधाई देने लगे थे। यहां तक कि टीम के कप्तान माने जा रहे संजू सैमसन ने भी चहल को बधाई दे डाली थी। इसके बाद ये खुलासा हुआ था कि ये मजाक युजवेंद्र चहल ने किया था। चहल ने खुद ट्विटर पर ये अनाउंस किया था कि वो टीम का अकाउंट हैक करने जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ बदला ले लिया अब राजस्थान रॉयल्स ने युजवेंद्र चहल के साथ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। Also follow us on Instagram for quick updates.